इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। बाबा वाल्मीकि जिसे प्रभु कहते हैं, देख पाय मुनि राय तुम्हारे भय सुकृत सब सुफल हमारे। आपके सिर चरणों का दर्शन करके हे महामुनि हमारे सब पुण्य सफल हो गए। पुण्य हुआ तो राम दर्शन भया, वनवास हो गया, मां ने बन दे दिया, भगवान ने नहीं कहा। बुराई क्यों करना, निंदा क्यों करना, ये यहां एक सूत्र है, निंदा नहीं करना। अच्छा, तात वचन पुनि मातु हित भाई भरत यसरा, मौ कहूं दर्श तुमार प्रभु सब मम इतना सौभाग्य है पूज्य पिताजी के द्वारा माँ को दिए गए दो वचनों का हमें एक पालन करना था, हमने एक पालन कर लिया। तात वचन पालन, प्रभु ने माँ से भी कहा था, सुन जननी सोई सुत बड़े भागी, सुन जननी सोई सुत बड़े पितु तो शनिहारा, तनय मातु पितु तो शनिहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। प्रभु के श्रीमुख वचन है कि जो पुत्र माता पिता के वचन से प्रेम करता है वो भाग्यशाली है और दुर्लभ है। चरण प्रेम तो कोई कर सकता है साहब, पांव तो छूना है, वचन प्रेम करना दुरूह कार्य है, कठिन। तभी प्रभु ने कहा तात वचन पालन किया। छोटे भैया साधु भरत अयोध्या जी को राजा मिले और हमारा पुण्य, मौ कहूं दर्श तुम्हार प्रभु सब मम पुण्य। संत दर्शन पुण्य फल है, तीर्थ यात्रा पुण्य फल है, परमात्मा के सिर चरणों में आत्मिक प्रेम ये पुण्य फल है। कई बार सुनाया है महाभारत जी के प्रसंग में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जब जीव दान और गंगा स्नान करने जाता है तो 10,000 वीर पुरुष उसके कंधे पर हाथ जमाए रोके रहते हैं, हाँ करना मत, करना मत, क्या स्नान, हम जब गंगा जी किसी को ले जाते हैं तो हम नहीं कहते नहा लो, हम ये पूछते हैं नहा लिया, छिड़क लिया, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। हम किसी को कहते नहीं कि तुम जल छिड़क लो, चाहे नहाओ चाहे ना नहाओ, नहा लो आप, हम बस ये पूछते हैं नहा लिया। हाँ, पहले दबाव देते थे, अब जब से ये कथा जान गए हैं तब से नहीं कहते हैं। क्यों? ये मान लेते हैं कि वीर पुरुष पकड़े है। अब देखिए महाबली भीम ने कहा कि जो 10,000 वीर पुरुष पकड़े रहते हैं, कल प्रातः काल गंगा तट परिक्रमा लगाऊंगा, टहलूंगा, सबको मारूंगा। गए साहब प्रातः काल 3:30 बजे से भीम भैया टहलने लगे टहलने लगे टहलने लगे। कथा बड़ी प्यारी है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। सब लोग नहा के चले गए, अब वहां से 7:30 बजे लौट कर आए
और भगवान से सीधा प्रश्न किए, क्या आपकी बचपन की आदत अभी गई नहीं? जैसे गोकुल में थे वैसे अब भी रह गए, क्या सत्य से आपका कोई संबंध नहीं? अरे बात क्या है? आपने कहा वीर पुरुष स्नान करने वाले लोगों को, दान करने वालों को पकड़े रहते हैं। मैं 3:30 बजे से गदा लेके टहलता रहा, एक भी वीर पुरुष, सब लोग आए नहा के चले गए। तो प्रभु तो बड़े विनोदी, बोले आपने नहाया? बोले मैं देख रहा था उनको तो कैसे नहाता। बोले सब आप को पकड़े थे सब आपको पकड़े थे, अब संकोच में पड़ गए, क्योंकि जब आप उनकी तलाश कर रहे थे तो कहां जाते, आपको पकड़े। हम समझाएं नहीं, चिराग तले ही अंधकार होता है, सावधान। ये समझाने की नहीं, समझने की। प्रभु कहते हैं सब मम पुण्य, मेरे पुण्य का प्रभाव है, है ना। हे महामुनि, अब आपकी जहां आज्ञा हो, हम इस वन में 14 साल रहे। बाबा वाल्मीकि जी ने कहा कैसा स्थान बताऊं, आप बताइए। बोले जहां तपस्वी लोग मनस्वी लोग रहे, क्या बनाएंगे, तह रचि रुचिर परन तृणशाला वास करूं कछु। हमारे रहने पर किसी साधु को कष्ट न हो, मुनि को कष्ट न हो। देखिए जीवन में और कुछ बनाइए सिद्धांत चाहे न, ये अवश्य बनाइए कि हमारे निवास से, हमारे व्यवहार से किसी साधु संत मनस्वी तपस्वी को कष्ट न हो। नहीं तो सरकार के श्रीमुख वचन है, मुनि तापस जिनते दुख लही ते नरेश बिनु पावर दह मंगल मूल विप्र परी तो दही को संतुष्ट करना, भागवत को संतुष्ट करना, भक्तों को संतुष्ट करना, ये मंगल की जड़ है। मंगल होगा भक्तों की सेवा, ये मंगल करनी व्यवहार है। थोड़ा हिलाते रहिए अगल बगल, जो ध्यान समाधि में जाए उसको हिला दीजिए, जो समाधि अवस्था में जाए उसको थोड़ा हिला दीजिए। चलो मैं हिला देता हूं, सीताराम जय सीताराम जय जय सीताराम जय सीताराम सीताराम जय हरे हरे की कक्षा नहीं है, ये कथा की कक्षा है। इसलिए जो ध्यान समाधि में जाए उसको हिला दीजिए। अरे भैया जरा कथा सुन लो फिर बाद में समाधि लगाना। देखो अब बाबा वाल्मीकि जी ने पूछा,
जब सरकार ने पूछा कि कहाँ रहूं, बाबा वाल्मीकि जी पूछते हैं, पूछ मोहि कि रहूं कह मैं पूछत सकुचा, जह न हो तह देव कहि अब तुम ही दिखावो। आपका स्वरूप चिदानंद है महाराज, आप तो सर्वत्र व्याप्त हैं, परंतु आपने जो लीला शरीर धारण किया है उसलिए कहु करहु जस प्राकृत राजा। आप व्यवहार में ऐसा पूछ रहे हैं तो हे राम जी, मैं आपको बता ही देता हूँ, बाबा वाल्मीकि जी ने परमात्मा का सत्य स्वरूप बखाना और अब बताने लगे। सूक्ष्मतम 15 मिनट में यह कथा आपको मैं सुनाऊँ। ये पंक्तियाँ मेरी अतिशय प्रिय पंक्तियाँ। नैष्ठिक ब्रह्मचारी के लिए, एक निष्ठ साधक के लिए, कथा प्रेमी के लिए, भजनानंदी के लिए और सदगृहस्थ के लिए, सबके लिए एक एक पंक्ति अनमोल है। कथा प्रेमी के लिए राम जी सुनिए, सुनहु राम जब कहूँ निकेता, जहाँ बसहुँ सियल समेता। सुनिए, निकेत माने घर, निवास स्थान जहाँ आप रहिए। और ध्यान रखिएगा, कहीं कहीं तो सरकार को अकेले बताया, कहीं माँ के साथ, कहीं त्रिदेव राम लखन जानकी, इस स्वरूप में बाबा वाल्मीकि जी ने कहा। गौर से सुनिए, गाइए। जिनके शवन समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरीनाना, भरही निरंतर हो ही न पूरे, तिनके ही तुम कहो मेरे आप रे। लोचन चातक जिन कर राखे, रही दरस जलधर अभिलाषे, निधर ही सरित सिंधु सर भारे, रूप बिंदु जल हो ही सुधारी, तीन के हृदय सदन सुखदायक, बसहु बंधु सिय सर गुनायक, जिनके हृदय सदन सुखदायक, बसहु बंधु सिय सर गुनायक। जस तुम्हार मानस विमल हंसिन जेहा, मुक्ता हल गुन गन चुनरी राम, जिनके कान का स्वभाव समुद्र जैसा हो, आपकी कथा रूपी नदियां आवें उतरें लेकिन भरे नहीं, क्या समुद्र का अंतस्थल भरे नहीं। सुनाओ महाराज, और सुनाइए कथा, और सुनाइए। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।